एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही बढ़िया सी गर्मियों की रेसिपी। ये है मैंगो सागो डिजर्ट। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी होती है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। इतनी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, गर्मियों में ठंडक का एहसास देती है और बिल्कुल अलग सा इसका स्वाद होता है। और हेल्दी तो इतनी होती है कि आप अपने बच्चों को यही डिजर्ट देना पसंद करेंगे। तो चलिए इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना देखते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप दूध, लगभग 300 मिलीलीटर। इसमें से 2 टेबलस्पून दूध हम अलग रख देंगे और बाकी बचे हुए दूध को एक पैन में डालेंगे। ये बॉयल किया हुआ दूध है, लेकिन फिर भी इसे हम रख देंगे उबाल आने के लिए। तो चलिए फ्लेम को ऑन कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको उबाल आने देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 3 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और इसे रख देते हैं उबाल आने के लिए। जब तक दूध में उबाल आ रहा है, यहाँ पे हमने साबुदाने भिगा के रखे थे, इसे लगभग 3 से 4 घंटे पहले हमने भिगा दिया था। ये 2 टेबलस्पून है और छोटे वाले साबुदाने हैं, आप कोई से भी साबुदाने भिगा के ले सकते हैं। साबुदाने बहुत ही हेल्दी होते हैं, इनका तासीर ठंडा होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए, पानी निकालने के बाद ये बिल्कुल खिले खिले साबुदाने दिख रहे हैं। अब इधर दूसरी साइड में देखिए, दूध में भी उबाल आ गया है। फ्लेम को हम लो करेंगे ताकि दूध उफन के बाहर ना आ जाए। और जो भीगे हुए साबुदाने हैं उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 पाव दूध के लिए हमने 2 टेबलस्पून साबुदाने यूज किए हैं। आप इसी तरह से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा दूध है तो साबुदाने भी ज़्यादा डालिएगा। बहुत ही हेल्दी होते हैं साबुदाने। साबुदाने का आप चाहे जो भी चीज़ बना करके खाइए, बेहद हेल्दी होते हैं। इसे अब हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए ताकि साबुदाने अच्छे से गल जाएं। साबुदानों को हमें धीमी धीमी आंच पे दूध में पकाना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और दूध थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। अभी जो दूध हमने बचा करके रखा था 2 टेबलस्पून, इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हमें दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर को पानी में भी घोल सकते हैं, लेकिन इसे ठंडे दूध या ठंडे पानी में ही घोलिएगा, वरना इसमें गुल्टियाँ पड़ जाएंगी। इधर देखिए, साबुदाने को पकते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये अब ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। दूध भी पहले से थोड़ा सा थिक हो गया है। साबुदाने इसमें घुल गए हैं और अच्छे से गल भी गए हैं। अब इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है, लेकिन जो हमने घोल करके कॉर्नफ्लोर रखा है इसे हम चलाते हुए इस दूध में ऐड कर देंगे ताकि साबुदाने भी पकते रहें और कॉर्नफ्लोर की वजह से दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हमें दूध को थोड़ा सा थिक करना है। तो इसे मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर चलाते हुए पकाएंगे ताकि नीचे तली में बैठे नहीं, क्योंकि अगर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ने का डर रहेगा। इसलिए जब कॉर्नफ्लोर डालिए तो इसे लगातार चलाते हुए पकाइए और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। बस एक उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक ही इसे हमें पकाना है। तो यहाँ देखिए, अब इसकी थिकनेस बढ़ने लगी है क्योंकि जैसे ही हमने कॉर्नफ्लोर डाला है दूध गाढ़ा हो गया है। दूध में साबुदाने को पकते हुए लगभग 10 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो गया है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार के रख देंगे ठंडा होने के लिए। देखिए अभी ये कितना गाढ़ा है। इसे हम चला रहे हैं तो इसमें से भाप निकल रही है। इसे हमें रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेना है। इसमें हम कुछ बूंदे मैंगो एसेंस के डाल रहे हैं जिससे इसका फ्लेवर बढ़ जाए। एसेंस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालिए या स्किप कर दीजिए। इसकी जगह आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर जो फ्लेवर आपको पसंद हो। बस 2 बूंद एसेंस डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। इसे मिक्स कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से चलाते हुए अगर मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अभी देखिए ये कितना गाढ़ा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लगभग 10 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें से भाप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि इसे हमें फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। तो बॉल में बहुत ही आसानी से रखा जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी है तो फ्रीज़र में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, और जल्दी नहीं है तो फ्रिज में रख दीजिए। 3 से 4 घंटों में ही ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। ठंडे होने के बाद इसमें हम आम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पके हुए आम 2 ले लिए हैं।
आमों को पहले हमें छील लेना है, उसके बाद इसकी स्लाइस करनी है। तो जितने आम आप डालना चाहें, एक दो या तीन डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो आम तो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे मैंने दो आम का यूज़ किया है। आम को पहले हम अच्छे से छीलेंगे और उसके बाद इसकी स्लाइस बना लेंगे। तो छोटे बड़े जैसे स्लाइस आपको पसंद है वैसे डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें से थोड़े से आम का पल्प ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस के भी डाल सकते हैं और थोड़े को काट के डालिए, या फिर आप चाहे मेरी तरह सिर्फ स्लाइस बना के ही डालिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी होती है, हेल्दी होती है। तो यहाँ पे लीजिए आम के स्लाइस कट गए हैं और यहाँ पे फ्रिज से हमने अपने डिजर्ट को भी बाहर निकाल लिया है। अब आम के स्लाइस को हम इस सागो डिजर्ट में मिला देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो इसकी थिकनेस देखिए ठंडे होने के बाद कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल रबड़ी जैसा हो गया है। इस डिजर्ट को आप चाहे तो एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, रात भर फ्रिज में रख दीजिए ठंडा हो जाए, और जब इसको सर्व करना हो तब आम को छीलिए, काटिए और मिला लीजिए और सर्व कर दीजिए। तो देखा कितना आसान था इसको बनाना, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है और पहले से भी बना के रखी जा सकती है। अगर कल आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आज ही आप बना करके इसको फ्रिज में रख दीजिए ठंडा हो जाए, और अगले दिन बस आपको इसमें आम काट के डालना रहेगा। ये ठंडी ठंडी सागो मैंगो डिज़र्ट बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप एक बार बना करके बच्चों को खिला देंगे तो आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे और ये डिज़र्ट की ही फरमाइश करेंगे बार बार। और ये हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है ही, आपको भी बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा कि बच्चों को कुछ हेल्दी खाने को मिल रहा है, साथ ही में बड़ों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो एक बार गर्मियों के सीज़न में इस डिज़र्ट को बना के देखिएगा, यकीन मानिएगा आपको इतना पसंद आएगा कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे। ऊपर से थोड़े से आम के स्लाइस डाल देते हैं ताकि ये देखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ लीजिए बनकर के तैयार हो गया है हमारा मैंगो सागो डिज़र्ट, जो हेल्दी और टेस्टी भी है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।